हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक गुड न्यूज़ है, मेरा जो घर जाने का प्लान था उसकी डेट लगभग फाइनल हो चुकी है। तो आज हमें करनी है बैकपैकिंग। घर से तो मैं कम सामान लेके आया था, लेकिन यहाँ आके सामान बढ़ गया। तो अभी वो सामान बैग्स में फ़िट होता है या नहीं वो आज देखना है, और अगर फिट नहीं होता है तो मार्केट जाकर हमें नया एक डफल बैग खरीदना पड़ेगा। तो अभी ये पूरा रूम फैला पड़ा है। घर से मैं जब आया था तो बस एक किताब लेके आया था जो बैग में था, और एक ट्रॉली लेके आया था जिसमें मेरे सारे कपड़े थे, एक डफल बैग लेके आया था ये वाली, इसमें मेरा ब्लैंकेट था। लेकिन अभी दिक्कत ऐसी है, हमें यहाँ पे मैंने बहुत सारी किताबें खरीद ली, तो पूरा हमें कबर्ड लेके जाना है घर पे, सारी किताबें सारे इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक अच्छी बात है कि मैं जब मुन्ना भाई की शादी के लिए घर गया था तो मैं जो ब्लैक मतलब ट्रॉली में जो मेरे कपड़े थे वो सारे अनयूज्ड थे। मैंने 6 महीने में एक भी ड्रेस यूज़ नहीं किया, इस्त्री भी नहीं मोड़ी थी। तो मैं वो सारे वापस घर पे रख के आया। अभी ट्रॉली है अपनी पूरी रिकामी खाली है, तो अभी उसमें किताबें रखेंगे, और जो दूसरी बैग है उसमें जो बचा हुआ है जो थोड़े बहुत कपड़े हैं जो डेली यूज़ के वो रखेंगे। तो गाइज़, मैंने अभी मोटा मोटा तो सारा सामान पैक कर लिया है। जो इम्पोर्टेंट बुक्स थे वो तो सारे बैग में आ गए। जो टेस्ट सीरीज थे, ये जो टेस्ट सीरीज वाले हैं ये मेरे लैपटॉप में है, तो इसको शायद मैं ना ले जाऊं। और ये जो छोटा छोटा सामान है जैसे पंचिंग मशीन, वॉच, वॉलेट तो मेरे पास रहेगा, वो मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह वो सब पैक करना बाकी है। सामने फाइल्स पड़ी है वो पैक करना बाकी है, और कपड़े पैक करना बाकी है। और अभी आ गया है खाना, तो पहले खाना खा लेते हैं। तो अभी खाना तो मेरा हो गया, कपड़े भी फोल्ड हो गए, बस अभी एक प्रॉब्लम है, मुझे प्रिंटर और ग्लोब दोनों लेके जाना है घर, और दोनों की साइज़ ज़्यादा है, तो शायद इसके लिए अलग बैग लेनी पड़े। तो अभी सिचुएशन ऐसी है, ये बैग में या तो सारे कपड़े और ब्लैंकेट जाएगा या फिर सारे कपड़े और प्रिंटर जाएगा। तो अब हम फिलहाल के लिए ग्लोब को रखते हैं बाजू में, और प्रिंटर, ब्लैंकेट और कपड़े इन तीनों का कॉम्बिनेशन करते हैं। पहले प्रिंटर और कपड़े लेते हैं, बाद में कपड़े और ब्लैंकेट लेते हैं, और तीसरे में ब्लैंकेट और प्रिंटर लेते हैं, जो वो बैग डफल बैग में हम रख के देखेंगे। जो सबसे कम जगह लेगा वो डफल बैग में जाएगा, और दूसरे को अलग से फिर सोचेंगे बाद में। तो प्रिंटर तो मैंने रख दिया डफल बैग में, साथ में मैंने ब्लैंकेट भी रख दिया सेफ्टी के लिए। अभी बचे हैं कुछ कपड़े, थोड़ा स्टेशनरी है और वायरिंग है, और ये जो कुछ फाइल्स है। तो स्टेशनरी और वायरिंग तो मैं लैपटॉप बैग में रख दूंगा। कपड़े है जो मैं ट्रॉली में रखने की अभी कोशिश कर रहा हूँ, और बाकी फाइल्स है वो भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे। तो गाइज, फाइनली पैकिंग इज डन। एक्चुअली ये फाइनल पैकिंग नहीं थी, आज बस मैं ये चेक कर रहा था कि मेरा सारा सामान बैग्स में पैक हो रहा है या फिर मुझे कुछ एक्स्ट्रा बैग खरीदना पड़ेगा। तो अभी अपना सारा सामान बैग में पैक हो गया, बचा है बस ग्लोब। ग्लोब मैं एक कैरी बैग में कैरी कर लूँगा, उसकी कोई बड़ी दिक्कत है नहीं, उसके लिए कुछ अलग से बैग खरीदने की ज़रूरत है नहीं। और 4 चीज़ें मैंने उसके साथ बाहर निकाल के रखी है, एक तो मेरा चप्पल, उसके बाद पिलो कवर, बेडशीट और एक ड्रेस जो मैं उस दिन पहन के जाने वाला हूँ। अभी इस तरह से सारा सेट हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी इस रूम में हो रही है, और बाहर बहुत अच्छा वेदर है, शायद बारिश हो सकती है, और बहुत अच्छे क्लाउड्स मुझे सामने दिख रहे हैं। तो मैं आपको वो सब टाइम लैप्स में अभी दिखाता हूँ। तो अभी बैकपैक करने के बाद मैं और शुभम भाई फ़ोटो शूट कर रहे थे, वो फ़ोटो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कर दो। और अभी हम लोग यहाँ पे खड़े ही थे कि मुझे विश्वजीत ने आवाज़ दिया, विश्वजीत ने खुद से पतंग बनाई। तो अभी हम थोड़ी देर पतंग उड़ाएँगे और फिर
नीचे जाएंगे। तो अभी मैं और शुभम भाई निकल पड़े हैं मार्केट। आज हम लोग एक ऐसी जगह पे जाने वाले हैं जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं टीवी में। हमने जब भी टीवी लगाया और उसमें दिल्ली का कुछ सीन आया है, तो दिल्ली का सीन आने से पहले हमको उनके दर्शन होते हैं। फाइनली वेट इज ओवर, इसके बारे में मैं बात कर रहा था, वहाँ पे हम यहाँ पे अभी आ चुके हैं। तो अभी हम आए हैं दिल्ली में भल्ले पापड़ी खाने। ये महाराष्ट्र में रगड़ा पैटिस मिलता है ना, सेम चीज है, बस यहाँ पे इसे भल्ले पापड़ी बोलते हैं। तो भल्ले पापड़ी खाने के बाद हम जब वापस आ रहे थे, तब हमने रास्ते में देखा करोल बाग का कार एक्सेसरीज मार्केट। वहां पे हम थोड़ी देर रुके, उसके बाद हम गए करोल बाग के कपड़ा मार्केट में। तो अभी हम आ चुके हैं रूम पे। तो इस तरह से आज के दिन हमने बैग पैक किया और करोल बाग मार्केट थोड़ा एक्सप्लोर किया। तो इसी के साथ मैं ये व्लॉग करना चाहता हूँ यहाँ पे एंड। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। आपका एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसे नए नए वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।